लेट्स टू क्वेश्चन नंबर थर्टीथ ऑफ एक्सरसाइज थ्री सी दैट इज लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्वेश्चन नंबर थर्टींथ इज सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमें ये सॉल्व करनी है इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड और हमें ये याद रखना है कि क्योंकि x और y हमारे डिनोमिनेटर में है इक्वेशन में तो x और y हमारे जीरो के इक्वल नहीं होंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ए अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन वाई इक्वल्स टू जीरो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी और सेकेंड इक्वेशन थी ए बी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर बी अपॉन वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यह हमारी सेकेंड इक्वेशन थी तो हम क्या करते थे हमें हमने पुरानी एक्सरसाइजेस में लास्ट एक्सरसाइजेज में पढ़ा है कि जब भी अपॉन में एक्स और वाई होते हैं वेरिएबल्स तो हम इसको लेट कर लेते हैं तो लेट वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू यू एंड वन अपॉन वाई इज इक्वल्स टू वी तो ये क्या आ गया ए यू माइनस बी वी इक्वल्स टू जीरो राइट और ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन क्या हो गई ए बी स्क्वायर यू प्लस ए स्क्वायर बी वी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट और इसको हम क्या लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर यू प्लस ए स्क्वायर बी वी माइनस का ये पूरा ब्रैकेट ये ब्रैकेट में कर देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का हो गया इधर आके इक्वल्स टू ज़ीरो ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन राइट अब हमें यू वेरिएबल है हमारे पास वी है और वन है कॉन्स्टेंट ठीक है अब बी वन क्या है यहाँ पे माइनस का बी और बी टू क्या है ए स्क्वायर बी तो हमने यहाँ लिखा माइनस का बी इंटू ए स्क्वायर बी अब सी वन सी टू क्या है सी वन हमें जीरो दे रखा है और सी टू क्या दे रखा है माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट अब ए वन ए टू क्या देखा है ए वन है ए और ए टू है ए बी स्क्वायर और बी वन बी टू माइनस का बी और ए स्क्वायर बी तो u अपॉन क्या आ गया ये माइनस बी की मल्टीप्लीकेशन अब देखिए यहाँ पे मैं ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ तो ये अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे तो ए स्क्वायर भी माइनस का और बी स्क्वायर भी माइनस का तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी इंटू ज़ीरो इक्वल्स टू वी अपॉन क्या हो गया जीरो इंटू ए बी स्क्वायर सॉरी मैंने मार्क करना रह गया था तो मैं मार्क कर रही हूँ दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस तो मैंने क्या किया ये अंदर के साइन चेंज कर दिए इसके तो ये आ गया माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इंटू ए राइट वन अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर इंटू माइनस बी तो अब ये कितना आ जाएगा नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं यू अपॉन माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी एक एक लिखते रहते हैं यू अपॉन माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी आगे क्या था माइनस माइनस प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब क्योंकि ये देखिए ये क्या होएगा ए स्क्वायर बी इंटू जीरो जीरो ऐसी वी अपॉन ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर इंटू जीरो जीरो तो ये क्या है माइनस ए इंटू माइनस ए स्क्वायर तो मैंने यहाँ लिख लिया इक्वल्स टू वी अपॉन माइनस ए इंटू माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन या आया ए क्यू बी माइनस माइनस प्लस ये देखिए ए क्यू बी और माइनस माइनस प्लस ए बी क्यूब तो ये आ गया ए क्यू बी माइनस माइनस प्लस ए बी क्यूब राइट तो इसको क्या लिख सकते हैं यू अपॉन ये एज़ इट इज़ आया प्लस बी क्यू ये सॉल्व कर लेते हैं वी अपॉन माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ए क्यू माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन ए क्यू बी प्लस प्लस ए बी क्यूब अब हम यू की वैल्यू कांस्टेंट के इक्वल ले लेंगे तो यू अपॉन ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू वन अपॉन ए क्यू बी प्लस ए बी क्यूब आ गया अब मैं ये वाली वैल्यू इधर ले जाऊंगी तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा और यू को यहीं रखूंगी तो यू आ गया हमारा ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब बी प्लस ए बी स्को क्यूब अब आप देखेंगे यहाँ से ऊपर से बी कॉमन निकल रहा है और नीचे से भी बी कॉमन निकल रहा है राइट right? तो हमने b कॉमन निकाला तो ये बच्चा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया और नीचे से भी b कॉमन निकाला तो क्या बच गया ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर बचा राइट तो b से b कैंसिल हो गया अब आप देखिए a और कॉमन निकल सकता है तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज ए और कॉमन निकाला तो ये आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया अब ये देखिए सेम वैल्यू आ गई तो u की वन अपॉन ए बज गया तो u की वैल्यू कितनी आ गई वन अपॉन ए अब इसी तरीके से v अपॉन ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन ए क्यू बी प्लस ए बी क्यूब के इक्वल रखा अब ये वाली वैल्यू हम इधर ले गए राइट और v हमने यहीं रखा तो यह आ गया ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस ए बी स्क्वायर क्यूब राइट अब आप देखेंगे इन में से क्या निकल रहा है ऊपर से ए कॉमन निकल रहा है तो हमारा बच रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे से हमारा ए और बी कॉमन निकल रहा है तो क्या बच रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट तो ये कैंसिल हो गया और ए से ए कैंसिल हो गया तो वी कितना आ गया वन अपॉन बी अब हमने किसको क्या माना था अब हमने माना था वन अपॉन एक्स को हमने u के इक्वल माना था तो वन अपॉन एक्स यू आया हमारा वन अपॉन ए आया राइट right? तो हमने इसको लिख दिया वन अपॉन ए तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो x वन इंटू एक्स इक्वल्स टू वन इंटू ए तो x किसके इक्वल आ गया a के इक्वल अब इसी तरीके से हमने वन अपॉन वाई को वी माना था राइट right? तो वन अपॉन वाई बी आया हमारा वन अपॉन बी अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो वन इंटू वाई इक्वल्स टू वन इंटू बी तो y की वैल्यू कितनी आ गई b तो हमें पता चल गया x है a और y है b. आंसर